जब भी आप 17C55 महिंद्रा में लगता है, टाटा में लगता है, काफ़ी सारी गाड़ियों में आता है, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, तो आपको इसको रीड एंड राइट KTEX से अगर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उसका एक शॉर्ट एंड एक वीडियो है, वो मैं अभी बना रहा हूँ, तो आप एक बार देखिए कि कैसे क्या मैं कर रहा हूँ इसमें। जब भी मेरे को KTEX से कुछ भी चीज़ रीड करनी है 17C55 की, जैसे EEPROM रीड करनी है, कुछ भी MCU रीड करनी है, तो अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस फंक्शन पे जाना है, उसके बाद ब्रांड सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा ब्रांड है महिंद्रा, तो महिंद्रा का मैंने M टाइप करा, इधर आया मैं, XUV में भी 17C55 है, स्कॉर्पियो में भी है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कहीं भी चले जाएँ, फैमिली नंबर 495 इसका भी है आपके स्कॉर्पियो का, और फैमिली नंबर 495 आपके XUV का भी है, तो इस पर सिंपली क्लिक करिए, स्क्रॉल करिए नीचे, क्लिक हेयर करेंगे आप, तो आपके पास ये आ रहा है ना, 495 फैमिली नंबर, 17C55। आपको जो रीड करना होता है बेसिकली वो पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें, आपको ये पता है कि हार्डवेयर में जो MCU लगा होता है उसका नंबर जो है वो 1767 है, तो आप क्या सबसे जल्दी आइडेंटिफाई ये कर पाएंगे कि इसको रीड करना कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ही वहाँ आती है। अब इसका हार्डवेयर ये है पूरा, इसमें आपको ये हार्डवेयर मिल रहा है 17C55 है ना। कुछ एक कनेक्शंस हैं वो मैं बता रहा हूँ, और कुछ एक पॉसिबिलिटी हैं जो अपने पास आ रही हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी मान लीजिए कि अपने पास